दोस्तों फोर्ड फिगो है डीजल, इसका हम लोग स्कैन किए हैं। तो इसमें दोस्तों क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का फॉल्ट दिखा रहा है, देखिए दिखा रहे हैं, थोड़ा सा दिखेगा नहीं, छोटा छोटा है। तो इसमें क्रैंक शाफ्ट पोजीशन को पे ही हम लोग काम किया जाएगा, या तो वायरिंग का लफड़ा होगा या तो क्रैंक शाफ्ट पोजीशन शॉर्ट होगा, इसके कारण ये फिगो स्टार्ट नहीं हो रही है। और जो है इसका क्रैंक शाफ्ट पोजीशन जो है अभी खोला जाएगा दोस्तों, हम ओबीडी के माध्यम से काम करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्रैंक शाफ्ट पोजीशन खुल रहा है, खोलने के बाद इसको अच्छे से चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। देखिए ये सेंसर है, क्रैंक शाफ्ट सेंसर नीचे लगता है मेन पुली के साइड में, ठीक है दोस्तों। इसको दूसरा लगाएंगे, दूसरा देखिए दोस्तों फिटिंग हो रहा है। फिटिंग होने के बाद इसको चेक किया जाएगा स्टार्ट करके गाड़ी। फोर्ड फिगो में ज़्यादातर दोस्तों यही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि नीचे सॉकेट रहता है, कहीं टच हो गया तो फिर। दोस्तों देखिए गाड़ी चालू हो गया है, एकदम मैनुअल स्पीड में चल रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब था, इसका लगाने के बाद स्टार्ट हो गई है गाड़ी, एकदम बढ़िया चल रही है।